नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चक्कर में सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पुरानी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन का दर्जा देके चलाया गया। उस समय जो जनरल टिकट मिला करती थी उन टिकट का मिलना बंद हो गया था, यानी कि जनरल टिकट में भी रिजर्वेशन अलाउ हो गया था। अब भारतीय रेलवे धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। यात्रियों को बस एक ही बात अब सुननी है कि सभी ट्रेनों में जनरल टिकट कब से मिलेगी। आपको बता चले कि जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए जनरल टिकट की सुविधा शुरू की जा रही है। हालांकि जबलपुर से रवाना होने वाली 27 ट्रेनों में से अभी ये सुविधा सिर्फ 7 ट्रेनों में दी जा रही है। 1 अप्रैल से जबलपुर की 16 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर जबलपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि पिछले दिनों जिन 7 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू की गई थी उनमें पहले से रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों की टिकट रद्द कर उनको रिफंड किया जा चुका है। शेष 4 ट्रेनों में 10 अप्रैल से जनरल टिकट की सुविधा शुरू की जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा एक टिकट प्लान बनाया गया है जिसके तहत सभी गाड़ियों में समान टिकट 3 चरणों में प्रारंभ किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री विश्वरंजन जी ने बताया कि प्रथम चरण में 7 मार्च से जबलपुर मंडल की 7 इंटरसिटी यात्री गाड़ियों में समान टिकट पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है। दूसरे चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा जिससे सभी ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारी शुरू कर ली गई है। हालांकि 1 अप्रैल के बाद भी 16 ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों ने रिजर्वेशन करा रखा है जिनका रिजर्वेशन रद्द किया जाएगा। आपको बताते चले कि जबलपुर से अंबिकापुर जाने वाली गाड़ी संख्या 11265 जबलपुर रीवा शटल, दमोह से भोपाल के बीच चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस, जबलपुर से रीवा के बीच चलने वाली इंटरसिटी विंध्याचल एक्सप्रेस और इटारसी प्रयागराज चौकी के बीच चलने वाली इटारसी प्रयागराज चौकी पैसेंजर ट्रेन, इन सभी ट्रेनों में 7 मार्च से समान श्रेणी का टिकट लेकर ट्रेनों में यात्रा करने के पात्र किया जा चुका है। यानी कि इस ट्रेन में 7 मार्च से शुरू कर दी गई है जनरल टिकट की सुविधा। इसके लिए सभी स्टेशनों पर समान टिकट वितरण हेतु बुकिंग काउंटर भी प्रारंभ किए जा रहे हैं ताकि आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और बाकी की ट्रेनों में धीरे धीरे तैयारी की जा रही है। जैसे हमको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।